किसान आंदोलन के समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान नेता, आपको बता दें जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाईवे हैं वहां पर ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे और साथ ही किसान आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और गाजीपुर बॉर्डर पर जो ट्रैफिक रूल है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसी तरीके से व्यवस्था कर रही है, क्योंकि आज कई सारे ट्रैक्टर जो हैं दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और दिल्ली की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं ये जो कार्यक्रम है सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद सभी किसान अपने अपने घर को वापस लौट जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये कहा है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास के गाँवों के किसान भी इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने वाले हैं और साथ ही जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके पुतले भी आज जगह जगह पर फूके जाएंगे, खास करके शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर। और जो भी बॉर्डर दिल्ली से यूपी, हरियाणा, पंजाब को जोड़ते हैं वहां पर इस ट्रैक्टर मार्च का जो है असर देखा जाएगा। ज़्यादातर जो किसान हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दूँ चिल्ला बॉर्डर पर भी इसका बहुत असर देखने को मिल सकता है। अभी गाजीपुर बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट हो रहा है ट्रैफिक पर। यहाँ देखिए मेरे इस तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो यहाँ पर पुलिस की और सीआरपीएफ के जवानों की ब्रीफिंग चल रही है। यहाँ पर उनको समझाया जा रहा है कि अगर आज ट्रैक्टर मार्च होता है तो किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। आपको बता दें इस ट्रैक्टर मार्च का जो आयोजन करेंगे वो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हो रहा है और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी शामिल होने वाले हैं। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हर हाईवे का जो एक साइड है, जो एक सिरा है वहां पर ट्रैक्टर चलेंगे और दूसरा जो हाईवे का सिरा है वो हम आम जनता के लिए खोल के रखेंगे ताकि आम जनता को आने जाने में परेशानी ना हो, क्योंकि इस ट्रैक्टर मार्च का मकसद सिर्फ ये है कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और उन्हें माने, ना कि आम जनता को परेशान करना। तो लगातार किसान नेताओं के बयान इस तरीके से आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के हालात बहुत ज्यादा अभी गंभीर बने हुए हैं क्योंकि हर जगह पर पुलिस तैनात की गई है और जो यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है आसपास की सबको अलर्ट पर जो रख दिया है और बैरिकेटिंग के भी खासा इंतजाम यहां पर किए गए हैं। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मनीषा, इंडिया न्यूज़।